देश प्रदेश में इन दिनों कोरोना महामारी का प्रकोप चरम पर है। ऐसे में शासन की मंशा अनुरूप प्रशासनिक महकमा लगातार लोगों को जागृत करने का अथक प्रयास कर रहा है। पता तब चला जब नवागत कलेक्टर सड़कों पर उतरी और आमजन को फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाने की प्रेरणा देते नजर आई। आपको बता दें कि खरगोन जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में पदभार ग्रहण करते ही नवागत कलेक्टर अनुग्रह पी ने कोरोना को मात देने का बेड़ा उठाया और आम जन को महामारी से निपटने की प्रेरणा देने के लिए प्रशासनिक महकमे के साथ खुद सड़कों पर उतरी और लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित मास्क लगाने की प्रेरणा देते दिखाई दी। साथ ही पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान भी दल बल के साथ लोगों को महामारी से बचने की समझाइश देते दिखाई दिए। इस दौरान प्रशासनिक महकमे ने बताया कि लॉकडाउन के बाद महामारी के प्रति लोगों की सजगता में कमी आई। ऐसे में गंभीर बीमारी से निपटने के लिए आमजन के सहयोग से लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा करने का उद्देश्य लेकर जन जागरूकता रैली निकाली है। बहरहाल प्रशासनिक स्तर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि जन जागरूकता के माध्यम से निश्चित तौर पर बीमारी से निपटने में सफलता हासिल होगी। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। विभिन्न विभाग भागीदारी दिए हैं, इसमें स्वास्थ्य कर्मी है, नगर पालिका का कर्मचारी है, रेवेन्यू ऑफिसर है, NRLM की महिला है, पुलिस प्रशासन है। सभी लोग हम मार्च पास के इसीलिए कर रहे हैं जो पब्लिक को समझ में आना चाहिए। हम इतने महीने से बहुत मेहनत करा रहे हैं, सभी विभाग जो है बहुत मेहनत करा रही है कोरोना को जो है नियंत्रण करने के लिए। पर वो अभी पब्लिक से जो है थोड़ा मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना जो है थोड़ा कम हुआ है। हम जागरूकता, जैसे SP साहब बता रहे थे, जागरूकता अभियान भी कराना चाह रहे हैं और हम ये भी बताना चाह रहे हैं हम इतना जो है सभी विभाग मेहनत कर रही है, हम उसी के हिसाब से पब्लिक से भी आग्रह कर रहे हैं आप लोग भी जो है मास्क पहनाएं और हमको सहयोग करें। मैडम, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि पेट्रोल पंप और डीजल और राशन दुकानों में जिस तरह से मास्क नहीं लगा के जाते, तो इनके से निर्देशित किया जाए कि जो मास्क लगा के उसी को दिया जाए। सभी जो दुकान की डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप मीटिंग भी रखने वाले हैं, उसमें भी हम इसी पॉइंट को बताएंगे। और जो है जितने भी भीड़ भाड़ जगह है, हाट बाजार है, वहाँ भी हम अलग प्रकार की जागरूकता अभियान चलाने वाले हैं। में जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल में जो कोरोना की संक्रमण गति से बढ़ रही है और हमारे ज़िले में काफ़ी जो पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या है वो आ रही है, तो इसी को देखते हुए जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा लोगों में मास्क का उपयोग करने की जागरूकता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वर्तमान में कई जगह हो रहा है कि लोगों का मास्क का जो उपयोग है वो थोड़ा कम हुआ है, तो लोगों में यह धारणा थोड़ी सी और आए और लोग मास्क का अधिक से अधिक उपयोग करें, इसके लिए यह आज का जो जागरूकता का मार्च है यह आयोजित किया गया था। इसमें हमारे द्वारा जो NRLM वगैरह के द्वारा जो मास्क बनाए जाते हैं उसके विषय में भी प्रचारित किया गया है, काफ़ी सस्ती दरों पे वो मास्क जो है उनके द्वारा बेचे जा रहे हैं। तो लोगों से यही अनुरोध है इस मार्च के द्वारा कि वो अधिक से अधिक मास्कों का उपयोग करें, स्वयं सुरक्षित रहें और अपने घर वालों को भी इस बीमारी से संक्रमित होने से बचाएं। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।